बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम को व्यूअर्स, आज हम केपी के बोर्ड के लिए एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन 4 का पार्ट 1 करेंगे। अच्छा, पहले उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने फैक्टर थ्योरम से करना है। अच्छा, फैक्टर थ्योरम क्या है? दैट पॉलिनोमियल x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इफ़ ओनली इफ़ पी ए इज इक्वल टू 0। अच्छा, चलिए मैं आपको इसको थोड़ा सा इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। पर देखिए, मैंने एक इक्वेशन लिए, इसको सबसे पहले हम फैक्टराइज करते हैं। अच्छा, अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टराइज से हमने क्या करते हैं, देखिए हमने फर्स्ट को और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या आ गया, हमारे पास आ गया 6x² और ये प्लस आ गया, ठीक है। अच्छा, अब जो ये 6 है, इसके हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं, वो क्या हो सकते हैं आपके, 1 × 6 हो सकता है और 2 × 3 हो सकता है, इसके अलावा कोई चांस नहीं है। अच्छा, आप देखें यहाँ पे हमारे पास प्लस है, तो प्लस जब होता है तो हम इनको फैक्टर्स को ऐड करते हैं, तो ये क्या आ गया, 7 आ गया और ये 5 आ गया। अब यहाँ पर बस देखें क्या मौजूद है, 5 मौजूद है, तो इसलिए मतलब कि ये फैक्टर्स होंगे। अच्छा, दोनों फैक्टर्स की साइन सेम होंगी विद सेम साइन, यानी अगर एक -2 होगा तो दूसरा -3 होगा, तो ये -5 आ जाएगा। एक +2 होगा तो दूसरा +3 होगा, ये +5 आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ देखें हमारे पास क्या है, हमारे पास ये -5 है, तो हम ये फैक्टर ले लेंगे। अब हमने यहाँ पे लिखा x², कोई भी लिख दें हम, -2x और -3x +6 इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया x, हमने लिया तो यहाँ पर हमारे पास x - 2 आ गया, -3 लिया हमने, या चले अभी हम यहाँ 0 नहीं ले रहे हैं, ठीक है, तो -3 कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ हमारे पास आ गया x - 2। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया, देखें x - 2 ये कॉमन आ गया दोनों का, और यहाँ पे हमारे यहाँ से बचा देखिए x, और यहाँ से ये -3, तो अब ये क्या हो गया आपका x - 2 एंड x - 3 आर फैक्टर्स, ठीक है, ये इसके फैक्टर्स हो गए। किसके फैक्टर्स हो गए, ये हो गए x² - 5x + 6 के, ये फैक्टर्स हैं। अच्छा, अगर हम अब हमसे कहा जाए कि सॉल्व, अच्छा जब हमसे कहा जाता है सॉल्व, तो सॉल्व का मतलब क्या हो जाता है जनाब, अब हमसे कहा गया सॉल्व, तो सॉल्व का मतलब ये हो जाता है, जब हम कहेंगे सॉल्व तो हमारे पास ये हो जाएगा आपका x² - 5x + 6, अब यह हमारे पास इक्वल टू 0 आ जाता है सॉल्व करने में। अच्छा, अब वही हमने निकाला, तो फैक्टर्स आ गए x - 2 और x - 3 इक्वल टू 0, तो अगर हम यहाँ x - 2 लिखें और यहाँ इसको डिवाइड कर दें इससे, तो ये 0 हो जाएगा, तो x - 2 इज इक्वल टू 0 आ गया, तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। इसी तरह से अगर हम यहाँ x - 3 लिखें और इसको हम x - 2 से डिवाइड कर दें, तो ये x - 3, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। अच्छा, अब ये 2, 3 क्या कहलाते हैं, कि 2 और 3 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन x² - 5x + 6, ये वो इसके रूट्स हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है। अच्छा, यहाँ तक आ गया, अच्छा जो ये रूट्स हैं, तो अब ये क्या हो गया आपका, x = 2 है और x = 3 है। अच्छा, अगर इसको हम यहाँ ले आएँ, अब ये क्या हो गया, ये x - 2 = 0 हो गया और ये x - 3 = 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि x - 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ x² - 5x + 6 और x - 3 इज आल्सो फैक्टर ऑफ x² - 5x + 6। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, देखें अब इसका मतलब हमारे पास ये है कि इक्वेशन क्या थी, x² - 5x और +6 इज इक्वल टू 0, तो अब जो हमने वैल्यूज निकाली है वो अगर हम यहाँ डालें, अब यहाँ देखें इसको करते हैं क्या हो जाएगा, कि 2² - 5 × 2 + 6, तो क्या हो गया, ये
हम लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं देखें, तो ये हो गया 4 माइनस 10 प्लस 6, तो ये हो गया हमारे पास प्लस 10 और माइनस 10, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास 0, और ये हमारे पास राइट हैंड साइड, तो ये प्रूफ हो गया देखें, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से हम यहाँ वैल्यू 3 पुट कर दें, तो ये क्या हो जाएगा 3² माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, तो ये लेफ्ट हैंड साइड हम कर रहे हैं, तो ये हो गया 9 माइनस 15 प्लस 6, तो 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0, तो ये राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए आप, इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि ये जो फैक्टर थ्योरम है कि अगर हम यहाँ पी एक्स है तो जो भी इक्वेशन दी है उसको हम लिख लेते हैं पी एक्स, ये हमने ये पी एक्स ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं देखें, अगर कोई भी हम वैल्यू लें एक्स की, एक्स की जगह हम कोई भी एक वैल्यू पुट करें और अगर हमारे पास वो 0 हो जाता है तो इसका मतलब वो उसका फैक्टर है, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास ये देखें, ये क्योंकि आपके पास ये क्यूबिक इक्वेशन है, अच्छा क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व हम नहीं कर सकते इसको, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम एक मेथड यूज़ करते हैं जिसको कहा जाता है ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है। तो इसमें अपनी तरफ से वैल्यूज हम सपोज करते हैं एक्स की, और अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसका मतलब वो हमारा फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे हमें मतलब सबसे पहले कौन चले, अब देखें हम 6 है, अब 6 से हम फैक्टर निकाल लें, 6 फैक्टर क्या हो सकते हैं, देखें 1 हो सकता है और इंटू मतलब के एक 1 × 1 हो सकता है चलें, और 2 × 3 हो सकता है, ये हमारे पास फैक्टर है, या 1 × 6 हो सकता है। अब देखें यहाँ, अब हमारे पास जो फैक्टर जाएंगे 6 तक नहीं जाएंगे, 6 तक हमें नहीं लेना है, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह कि 6 जो है वो आपका कंपाउंड है, यानी कि वो अब ये 2, 3 पहले आ चुके होंगे तो आपको 6 तक की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आपको सिर्फ प्राइम फैक्टर्स तक के हम निकालते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1 से, फिर जाते हैं हम प्लस माइनस 2 के, और फिर हम जाएंगे प्लस माइनस 3 की, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, सही है। तो अच्छा, अब हमें सबसे पहले क्या करते हैं, अब यहाँ देखें, अब यहाँ पे हमें वैसे ही नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जब प्लस माइनस भी हैं सब है, तो हम सबसे पहले क्या ट्राई करें, हम सबसे पहले ट्राई करेंगे एक्स की वैल्यू प्लस 1, ठीक है। प्लस 1 इसलिए करेंगे, देखें माइनस मौजूद है, माइनस लेंगे तो ये भी माइनस हो जाए, हो सकता है नहीं हो, तो सबसे पहले हमने सपोज कर लिया लेट एक्स इज इक्वल टू प्लस 1। अच्छा, अब जब एक्स वैल्यू हमने ये पुट किए तो हम यहाँ पे अब एक्स से कम क्या पुट कर देंगे, एक्स से कम 1 पुट कर देंगे, और जहाँ जहाँ यह आपका एक्स है वहाँ हमने 1 को पुट कर देना है, माइनस 2 × 1² माइनस 5 × 1 और प्लस 6। अब देखें 1³ क्या होता है, 1³ तो 1 ही होता है, 1² भी 1 ही होगा, यानी माइनस 2 आ गया, ये माइनस 5 आ गया और ये प्लस 6 आ गया। अब यहाँ देखें क्या हुआ आपका, ये 1 और प्लस 6 को हमने ऐड किया तो ये प्लस 7 आ गए, इन दोनों को ऐड किया सेम साइन है, ऐड हो जाएंगी, साइन हुई रहेगा माइनस 7, तो ये यहाँ पर 0 आ गया। इसका मतलब जब रिमाइंडर 0 आ गया तो वो हमारा एक्स इक्वल टू, हमने 1 जो लिया था, हमने क्या लिया था एक्स इक्वल टू 1, तो इसका मतलब है कि एक्स माइनस 1 इज़ अ फैक्टर, ठीक है। अब हमारे पास एक्स माइनस 1 हमारे पास ये एक फैक्टर आ चुका है, अब हम क्या करेंगे दूसरे फैक्टर के लिए, हम इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, हम क्या करेंगे, अब हम इसको, हमारी इक्वेशन क्या है, इक्वेशन हमारी थी एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6, और इसको हम डिवाइड करेंगे एक्स माइनस 1 से, ठीक है। अच्छा, अब डिवाइड कैसे करेंगे, आप सबसे पहले एक रफ कॉलम बना लें, जो यहाँ पहली चीज़ होती है एक्स क्यूब, उसको हम यहाँ लिखते हैं, और फिर डिवाइड कैसे करते हैं, यहाँ पे आपका पहला है ये एक्स है, तो अब यहाँ से क्या होगा, पावर कैंसिल हो जाएगी, इसको यहाँ स्क्वायर रह जाएगा, तो यानी कि एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर को यहाँ लिख देंगे, और फिर क्या करेंगे, अब ये एक्स स्क्वायर को देखिए, हमने करना तो ये है कि इसको हम यहाँ इससे मल्टीप्लाई करें, फिर इसको यहाँ करें, लेकिन अक्सर ऐसा होता है हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं, तो उसका बेहतर तरीका ये, जो भी आपका फैक्टर है उसको आप यहाँ लिखें और इसको अब मल्टीप्लाई करें, तो आ गया हमारे पास एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, अब यहाँ लिख दें
एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा अब हमने क्या करना है, देखें ये हमने साइन चेंज करना होता है, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब देखें यहाँ पे हमारे पास प्लस का 1 है, यहाँ माइनस का 2 है, तो जो एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, जब साइन डिफरेंट होते हैं हम दोनों का डिफरेंस लेते हैं, 2 1 का डिफरेंस हमारे पास 1 आ गया। और अब साइन ऑफ ग्रेटर क्या है, माइनस है, तो माइनस साइन आ गई, ये माइनस 5x आ गया और ये हमारे पास प्लस 6 आ गया। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो भी चीज़ें आई है तो इसको हम यहाँ लिख लेंगे पहले की तरह, और यहाँ से ये x हमने लिखा, अब क्या आ गया, देखिए माइनस का साइन वैसे ही आ जाएगा, यहाँ एक पावर हो गई, ये माइनस x आ गया, फिर हमने माइनस x को यहाँ लिखा, यहाँ x माइनस 1 लिखा, इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस x आ गया, ये हमने यहाँ लिख लिया माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस x, ये हमारा प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस 6x और प्लस 6। अच्छा ये जगह माइनस एक्स हमने यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ क्या देखें, पहला हमारे पास है माइनस 6x और इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, उसी हम अपने x से डिवाइड करेंगे जो हमारे पास यहाँ पहले से मौजूद है, तो यहाँ हमने x से इसको डिवाइड किया तो x कैंसिल हो गया, माइनस 6 आ गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस 6 लिखेंगे, यहाँ x माइनस 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई किया तो माइनस 6x और प्लस 6 आ गया। अब ये जो चीज़ हमारे पास आ गई है ये हमने यहाँ लिख दी, माइनस 6x और प्लस 6, साइन चेंज किए ये कैंसिल आ गया, रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया, और ये माइनस 6 था वो हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है। अच्छा हमारे पास पी एक्स क्या था, हमारे पी एक्स हमारे पास था एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6, तो अब हम इसी तरह लिख लेंगे इज इक्वल टू, ये x माइनस 1 आ गया और ये हमारे पास हमने डिवाइड किया आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 6। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब इसका हम मतलब फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ लिख लें हम इसको, यहाँ भी लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अच्छा अब हमें इसको फैक्टराइज करना है, तो आपको फैक्टराइज का बताया मैंने कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया माइनस 6x स्क्वायर, इससे हमें ताल्लुक नहीं होता, माइनस 6 को देखेंगे फैक्टर्स वही आएंगे, 1 इंटू 6 आ सकते हैं प्राइम फैक्टर या 2 इंटू 3 आ सकते हैं। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास है माइनस, तो माइनस होगा तो हमने इनका डिफरेंस लेना है, फैक्टर्स का डिफरेंस लेंगे, इसका डिफरेंस 5 है, इसका डिफरेंस 1 है, तो हमें यहाँ क्या चाहिए, 1 चाहिए। अच्छा यहाँ फैक्टर्स भी डिफरेंट आएंगे, यानी एक माइनस 2 आएगा दूसरा प्लस 3 आएगा, तो ये आपका प्लस 1 आ जाएगा, अगर यहाँ प्लस 2 आएगा तो दूसरा माइनस 3 आ जाएगा और ये माइनस 1 आ जाएगा। अब यहाँ देखें हमारे पास क्या है, माइनस 1 है, तो हम ये वाले फैक्टर्स ले लेंगे। तो अब यहाँ क्या हुआ हमारे पास, ये x माइनस 1 हमारे पास ये ऐसे है, अब हमने ले लिया एक्स स्क्वायर और प्लस 2 एक्स माइनस 3x और माइनस 6, तो ये हमारे पास आ गया x माइनस 1 एज इट इज़ आ गया, और ये आ गया यहाँ पे हमने x कॉमन ले लिया तो x प्लस 2 आ गया, माइनस 3 कॉमन ले लिया तो हमने x प्लस 2 आ गया, और अब यहाँ देखें हमारे पास क्या है, x माइनस 1 ये एज इट इज़ है, अब यहाँ हमारे पास ये x प्लस 2 दोनों में कॉमन है तो x प्लस 2 हम कॉमन ले लेंगे, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ से देखें ये x आ गया, यहाँ से ये साइन माइनस किया गया और ये 3 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास फैक्टर्स आ गए x माइनस 1, एक्स प्लस 2 और x माइनस 3, ये इसके हमारे फैक्टर्स आ चुके हैं, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो देखें ये हमारे पास ये फैक्टर्स आ गए। तो अब देखें ये अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल में आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। देखें मैं आप लोगों को के लिए बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं भी आपका भाई हूँ, तो आप मेरे मतलब मेरी हेल्प करें और मेरा सब्सक्रिप्शन बढ़ाने में मेरी हेल्प कीजिए, ठीक है। और अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखें, तो इंशाल्लाह मैं आपको जल्द वीडियो बना के दे दूँगा, ठीक है। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।